हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब ठीक हो के। मैं जय आपका वीकरैक एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप टू का पार्ट टू देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4:1:2। ए और बी जो है कितने दिन में काम कर लेते हैं? 4:1:2 days, आवर्स। ए और बी जो है 4:1:2 hours में काम कर लेते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 hours। बी और सी जो है कितने आवर्स में? 3 hours में। ठीक है, सी एंड ए वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 2:1:4 hours। और सी और ए जो है कितने? 2:1:4 hours। ठीक है, ऑल ऑफ देम बिगेन द वर्क एट द सेम टाइम। फाइंड हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। ए और बी एक काम को 4.5 घंटे में कर लेते हैं। बी और सी जो है 3 घंटे में कर लेते हैं। सी और ए जो है 1/4 घंटे में काम कर लेते हैं। तो उसने पूछा है कि ए बी और सी, ए बी और सी कितने घंटे में काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया, बस वहाँ डेज से यहाँ आवर्स है। क्वेश्चन वैसे वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 4 2 into 4 8 plus 1 9/2। ये 3 hours, ये कितना हो जाएगा? 9/4 hours। इनका एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा? 9। हम ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम नहीं लेते। तो देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई। इसकी कितनी आ गई? 2। इसकी कितनी आ गई? 3। और इसकी कितनी आ गई C+A की? 4। ठीक है, हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखिए यहाँ ये कितना है? 2A+B+C। ठीक है, इन दोनों का ऐड किया और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4, 6 और ये 9। आए समझ? अब देखिए ये 2 इधर चला जाएगा। ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 9/2। ठीक है, अब ये टोटल इनकी एफिशिएंसी आ गई, टोटल काम ये है, तो कितने घंटे लग जाएंगे? टोटल वर्क बाय इनकी एफिशिएंसी, ये चीज यहाँ 9/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया? 2 आवर्स। ठीक है, आया समझ? ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 9/2, ये 3 as it is, ये 9/4, एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकल गई। टोटल वर्क ये था, एफिशिएंसी को इससे डिवाइड कर देंगे तो ए बी और सी तीनों का मिलके काम आ जाएगा। कितने घंटे में कर लेंगे वो? 2 घंटे में उस काम को कर लेंगे। आया समझ? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 मिनट। ए बी और सी जो है वो किसी काम को 30 मिनट में कर लेते हैं। ए बी सी किसी काम को 30 मिनट में कर लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 मिनट। और ए और बी जो है उसे उसी काम को 50 मिनट में करते हैं।
ठीक है, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, इसने पूछा कि भाई सी उस काम को कितनी देर में पूरा कर लेगा। चलिए तो इजी है, क्या करेंगे, एलसीएम ले देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ गया 150। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी कितना कितनी हो जाएगी, 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए ए बी सी की कितनी है, 5। ए और बी की कितनी है, 3। तो सी की कितनी बच जाएगी, अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 बच जाएगी एफिशिएंसी सी की। सी की जो एफिशिएंसी बच जाएगी वो 2 बचेगी। ठीक है, अब सी की एफिशिएंसी 2 है, टोटल वर्क कितना है, 50। 150 टोटल वर्क 150 है, डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सी के बारे में पूछा है कि सी कितनी देर में काम पूरा कर लेगा, तो कितनी देर में कर लेगा, 75 मिनट। ठीक है, आए समझ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन एम डेज, ए जो है कितने दिन में काम पूरा करता है, एम डेज में। एंड बी कैन कंप्लीट इट इन एन डेज, और जो है बी कितने दिन में काम पूरा करता है, एन डेज में। ठीक है, हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी कैन डू इट टुगेदर। पूछा है कि भाई ए और बी जो है कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे अगर वे साथ काम करें तो। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, एम एन। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया एम एन। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, एन, इसकी एम, ये एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो एन इसकी एफिशिएंसी आ गई, ए की, और बी की कितनी आ गई, एम। अब देखिए ए और बी से पूछा है कि ए और बी कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, वो कर लेंगे एम एन टोटल वर्क बाय इनकी एफिशिएंसी को सम कर देंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आए समझ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप यहाँ हैं, ये हैं आप, ठीक है, और YouTube पर मेंटर जो है ना, ये हैं, इतने सारे मेंटर्स हैं YouTube पर। आप एक बार इसका कंटेंट देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, इन सब का देखेंगे आप कंटेंट, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसका कंटेंट करें किसका ना करें। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि इन सब के कंटेंट इकट्ठा करके आपको एक ही जगह पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप इन सब के पास ना जाकर केवल यही कंटेंट देखें, इन सब का कंटेंट मैं यहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बात है नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना वो मैं सारे यहाँ डिस्कस कर दूंगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक्स कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स। एक्स जो है, फोर्थ क्वेश्चन है ये, एक्स 80 पेजेस 20 आवर्स में कॉपी कर देता है। ठीक है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो है 137 पेजेस ट्वेंटी सेवन आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, 135 पेजेस 27 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। अब इसने पूछा है देन वाई कैन कॉपी 20 पेजेस इन, वाई
जो है 20 पेजेस कितने आवर्स में कंप्लीट कर देगा? क्वेश्चन क्या है कि एक्स जो है 80 पेज 20 घंटे में कॉपी कर देता है, एक्स और वाई दोनों जो हम मिलकर 135 पेज 27 आवर्स में कॉपी कर देते हैं, तो बताओ भाई वाई जो है 20 पेज कितने घंटे में कॉपी करेगा? ठीक, करें इसका सॉल्यूशन। अब देखिए हमें आवर्स निकालना है, तो यहाँ से आवर्स ही लेंगे हम, क्या कि भाई वो 20 आवर्स में कितने पेज कर रहा है? 80 पेज कर रहा है। 1 घंटे में कितना कर रहा है? 4 पेज। ठीक है, 20 घंटे में 80 कर रहा है, तो 1 घंटे में 4 पेज कर रहा है वो। अब एक्स और वाई दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पेज कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने कर देंगे? 135/27 कितने पे चला जाएगा? ये 5 पे, 5 पेजेस। ठीक है, एक्स जो है 20 घंटे में 80 पेज, 1 घंटे में 4 पेज, एक्स और वाई दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पेज, तो 1 घंटे में 5 पेज। अब देखिए एक्स जो है 1 घंटे में 4 पेज कर रहा है, एक्स और वाई दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 पेज कर रहे हैं, तो वाई जो है 1 घंटे में कितने पेज कर रहा है? 5 - 4 = 1 पेज। ठीक है, वाई 1 घंटे में जो है 1 पेज कर रहा है कॉपी। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई 20 पेज वो कितने घंटे में पूरा करेगा? तो 1 घंटे में 1 पेज, 20 पेज के लिए यहां भी 20 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 20 से मल्टीप्लाई, कितने आ जाएगा? 20 आवर्स। यही इसका आंसर है। ठीक है, 20 घंटे में वो पूरा कॉपी कर देगा भाई, कितने? 20 पेज। आगे समझ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 20 वुमेन कैन ले ए रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 डेज, अगर 20 वुमेन 100 मीटर लेंथ रोड जो है टेन डेज में पूरा करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 20 वुमेन जो है 100 मीटर की रोड जो है उसे 10 दिन में पूरा करते हैं, देन 10 वुमेन कैन ले द सेम रोड ऑफ लेंथ 50 मीटर इन। तो इसने पूछा कि भाई 10 वुमेन अगर उसी रोड को 50 मीटर को, ठीक है, 50 मीटर लेंथ के रोड को कितने डेज में पूरा कर देंगे? ठीक है, कितने डेज में पूरा कर देंगे? चलिए, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला M1H1 वाला, ये बताया था, इसमें हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए कितनी वुमेन है? 20 इंटू कितने डेज हैं? 10। देखिए ये जो हम उन्होंने काम किया है, ठीक है, 100 मीटर रोड बनाई है, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ काम किया है, तो वो वर्क यहां आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है कि भाई 10 वुमेन है, डेज निकालने हैं, वर्क कितना करना है? 50। यही काम करना है, इसको काट दें, 1 10 से 10, तो कितना आंसर आ गया? ठीक है, 10 डेज, यानी 10 वुमेन जो है 50 मीटर लेंथ पूरी करने में कितना समय लगा देंगे? 10 डेज।
आया समझ? यहां तक तो कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करें, चलिए करते हैं, इसके बाद हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ 5 persons टुगेदर कैन मेक 5 mats इन 5 hours। अब देखिए, 5 men, 5 आदमी जो है 5 घंटे में 5 mats बनाते हैं, ठीक है? 5 आदमी 5 घंटे में 5 mats बनाते हैं। देन 10 persons इन 10 hours विल मेक 10 men 10 hours, वो कितने मैट बना देंगे? ठीक है, सेम जैसे हमने पीछे किया था वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, कितने आदमी हैं वही फॉर्मूला लगाएंगे, M1H1D1 वाला, ठीक है? यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या है ये? कितने आदमी हैं? 5 × कितने घंटे हैं? 5 / कितने मैट बनाते हैं? वो काम करते हैं नहीं, तो कितना काम कर रहे हैं वो? 5 mats बना रहे हैं। इज इक्वल टू कितने आदमी हैं? 10 × कितने आवर्स हैं? 10 / कितने मैट बनाएंगे? तो यहाँ मैट्स लिख देंगे हम, ठीक है? 1 5 से 1 5 गया, ये 2 बार गया, तो कितने मैट आ गए? 20। यही इसका आंसर है। आया समझ? 5 आदमी 5 घंटे में 5 mats बनाएंगे, तो 10 आदमी 10 घंटे में कितने मैट बना देंगे? 20 mats बना देंगे, ठीक? ठीक, आया समझ? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं हम, अगली वीडियो में फिर करेंगे। तो तब तक के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेहनत करते रहें। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।